हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और मैंने उसकी जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारी कर लेती हूँ। इसको मेथी का कोफ्ता, मेथी कढ़ी या मेथी के गट्टे, कुछ भी आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। ये फ्रेश मेथी से ही बनती है, जो फ्रेश मेथी आती है मार्केट से, उसी से बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने टमाटर वगैरह सब कटिंग कर लिया है, अब इनको मैं बारीक चॉप कर लूंगी। तो देखिए, मेथी को मैंने धो लिया है और इनको कटिंग कर लिया है। जो बड़ी डंडियां होती हैं उसको निकाल देना। मैंने धनिया, नमक, हल्दी, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल के अच्छे से मिला लेंगे मेथी के इसमें। और इसमें इसकी बाइंडिंग करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश 2 चम्मच दही। और इसमें कोई ऑयल का यूज नहीं करना है, बाकी हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेंगे और इसका टाइट, मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं, मतलब जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरह का डो तैयार कर लेंगे, जैसे मट्ठी वगैरह बनाते हैं उस तरह से। तो देखिए, मैंने इस तरह से रेक्टेंगल और कुछ गोल बोल्स की तरह इसको बना लिया है। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लेना, जैसे चिपकेगा तो, वैसे चिपकता नहीं है। तो ये 2 से 3 कटोरी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये प्याज चॉप कर लिए हैं, 3 टमाटर चॉप कर लिए हैं और प्याज के साथ ही हरी मिर्च इधर मैंने इनको डीप फ्राई कर लूंगी। इनको आप चाय के साथ भी स्नैक्स में ले सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। इधर मैंने जीरा और प्याज, हरी मिर्च दोनों को, उधर मैं मसाला भी तैयार कर लूंगी और साथ में हमारी ये डीप फ्राई भी हो गई है। तो देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इधर मैं प्याज भुनने के बाद थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी इसमें, जो नॉर्मली अपने सब्जी मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिया, धनिया, नमक, हल्दी और ये टमाटर चॉप करे हुए डाल दिए। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसका अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद है ये फ्रेश मलाई, 1 दिन की मलाई है। और बस यही छोटी छोटी ट्रिक के साथ आप बनाना इस तरह से। और अब मैं इसमें कर रही हूँ नमक ऐड। तो ये छोटे छोटे से कुछ अपने आइडिया तरीके होते हैं बनाने के, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगेगा। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ये लगेगी कि मेथी की सब्जी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, जैसे मलाई कोफ्ता लगता है। ये मैंने 10 मिनट तक ढक के उबाल लिया है और अब ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कम ज़्यादा। तो बस बन के हो गई है तैयार। तो आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे भी इसको खुश होके खाएंगे। सेम इसी तरह बनाना तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा ये मेथी के गट्टे हैं या मेथी की सब्जी है। तो चलिए, जरूर एक बार ट्राई करना मेरे कहने से, और इसी तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मेरे घर में ना सूबी बिल्कुल नहीं खाती है मेथी, और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेथी की ये रेसिपी। तो चलिए, अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ दूसरी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी वो भी आपको। और उसके लिए भी हमें चाहिए मेथी और बस थोड़ी सी मसाले। तो मेथी को चॉप कर लिया है मैंने बारीक और ये कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच घी। इसी में मैं डाल दूंगी मेथी और मेथी को थोड़ा सा हम इस घी में भून लेंगे। तो बस मैंने थोड़ी सी ही बना रही हूँ बस। तो देखिए, मेरी मेथी भून गई है, इस तरह से भून लेंगे। और अब मैं इसमें ही कढ़ाई में ही आटा एक तैयार कर लूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी और मेथी चिपकी हुई है ना, तो इसी में हम एक डो तैयार करेंगे। तो इसको हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से, 1 कटोरी गेहूं का आटा। और इसमें डाल दीजिए 1 ही स्पून बेसन, अजवाइन हाथ पे रगड़ के, नमक डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था, ऑयल डाल के इसमें अच्छे से मिला लेंगे। बाकी थोड़ा सा पानी से इसका एक नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे, इस तरह से इतना टाइट इसका डो करेंगे। बहुत ज़्यादा ना टाइट होगा, बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होगा। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना, उसके बाद ये सेट हो जाएगा अच्छे से। डो हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद इसकी एक लोइयां बना लेंगे। तो इसमें से मैंने 2 रोटी बिल गई थी मेरी, तो मैंने मोटी मोटी 2 रोटियां की लोई बना ली है। इसमें से 2 पार्ट में इसको मतलब कर लिया है। दोनों को अलग अलग डिजाइन में मैं बता रही हूँ आपके साथ। तो मैंने 1 रोटी को जो बेला है ना, उसको बस इस तरह से गोल फोल्ड करते हुए आएंगे तो इजीली मतलब ये हो जाएगा। तो ये एक शायद मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो इसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से, और चाकू से इसमें इस तरह से कट कर देंगे और हथेली से इसको दबा देंगे। तो एक शेप तो हमारी ये हो जाएगी, ये कि बहुत अच्छी, तलने के बाद बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है डिज़ाइन और क्रिस्पी भी बनती है। तो चलिए, मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है और इसमें मैंने 4 निशान लगाए हैं, फिर 4 के बीच बीच में से कट लगाया है इस तरह से। अभी मैं आपको पास से दिखा दूंगी। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है।
ये वाला डिजाइन बहुत ही अच्छा बनने वाला है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी बनेगा। आप इसको जरूर ट्राई करना। और गेहूं के आटे से है तो कोई हमें नुकसान भी नहीं है कि मैदा जैसे हमें नुकसान करती है, तो गेहूं के आटे से आप इसको इजीली बना सकते हो। लेकिन उसमें 1 स्पून भर के बेसन जरूर डाल देना, वो आपको आपकी मतलब नमकीन को क्रिस्पी करेगा। जब घी ऑयल मतलब हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद गैस को धीमी करके इसको सेक लीजिएगा अच्छे से। गरम तेल में एकदम डाल के मत निकालना, नहीं तो ऊपर से ये लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप गैस को सिम करके ही सेकना और ये देखना अंदर तक सिक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप नमक पारे वगैरह को भी ये शेप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए मैंने आपके साथ 2 रेसिपी शेयर की मेथी की, और दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी? दोनों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, बाय बाय।